शक्ति हुए गुम है किसी के प्यार से आउट। समृद्धि ने करवाया क्या फरमान का ब्रेकअप। शगुन पांडे ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड सुमित सिंह को धमकाया। क्या है इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें, देखे टेली रैप के साथ। गुम है किसी के प्यार में को शक्ति अरोरा ने अलविदा कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्ति ने बयान देते हुए कहा, शो के लिए ये ठीक है, मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ, पर शॉक लगा। टीआरपी में टॉप पर रहना एक साल तक बहुत बड़ी बात है। मेकर्स को और हाई टीआरपी चाहिए और आईपीएल के टाइम से वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी शो की नहीं आई। फरमान हैदर की एक्स गर्लफ्रेंड ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समृद्धि पर इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से फरमान ने उनसे ब्रेकअप कर लिया, जिस पर समृद्धि ने रिएक्ट करते हुए कहा, उनके बीच बहुत इश्यूज थे, दो लोगों के बीच कभी किसी तीसरे की वजह से ब्रेकअप नहीं होता। कुंडली भाग्य को बसीर बॉब, जो शो में शौर्य का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने शो को अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में बसीर ने बताया कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा, इस शो से मैंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया है। पिछले कुछ दिनों से जहां नताशा हार्दिक के डिवोर्स की खबरें आ रही थी, नताशा ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की पिक्चर्स और सरनेम भी हटा दिया है। वही फिर नताशा ने सारे पिक्चर्स रिस्टोर कर लिए हैं और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। खबरें थी कि शगुन पांडे गुम है किसी के प्यार में के सेट पर गए थे रूमर्ड गर्लफ्रेंड सुमित से कन्फ्रंट करने, जिस पर सुमित ने रिएक्ट करते हुए कहा, ये खबर झूठी है। हाँ, शगुन गुम है किसी के प्यार में के सेट पर आए थे, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि मैं और शगुन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे है। शादी के बाद पहली बार आरती नजर आई और क्या हाल है आरती का, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं अगर हमेशा बोलती हूँ अगर मैं 8 हूँ तो वो 10 है और बहुत ज्यादा सुकून है। एक वक्त था संभावना और कैश्मीरा अच्छे दोस्त थे, वही अब दोनों में है 36 का आंकड़ा। न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए संभावना ने कहा, जब आप लाइफ में नीचे जाते हो ना तो कुछ लोग आपको और नीचे करते हैं। अपने बुरे वक्त को याद करते हुए रिंकू काफी इमोशनल हुई और कहा, आपके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं है और आपकी जिम्मेदारियां बथेरी हैं। सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, आपकी फैमिली की, आपके बच्चे की, आपके पेरेंट्स की, तो क्या करोगे? और साला एक्टिंग के अलावा कोई काम कभी किया ही नहीं है 17 साल की उम्र से, और सिर्फ बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए। नहीं नहीं, वो भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। हाँ, और फोन भी रिचार्ज होना चाहिए क्योंकि फोन पे ही तो काम आएगा, यू नो व्हाट आई मीन। खाना खाना तो नमक तो चाहिए ना। अच्छा, खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो तेल चाहिए। आई एम टेलिंग यू, फिर चालू हो गए कर्जे। समृद्धि और प्रतीक्षा को डेट करने की बात पर रिएक्ट करते हुए शहजादा ने कहा, प्रतीक्षा मेरी दोस्त है और समृद्धि से सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड था। समृद्धि को बदनाम करने वालों को जवाब देते हुए फरमान ने कहा, अगर वो नहीं बोलेंगे ना तो पब्लिक को लगेगा कि वो सच में वजह थी, तो मुझे मेरी उनसे बात नहीं हुई है इस मुद्दे पे। देखते हैं, बात करेंगे क्या है, लेकिन उन्होंने जो पक्ष रखा है वो सही है। देखिए, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो पब्लिक या जो भी लोग आपको देख रहे हैं ना, उनको ये लगेगा कि आप ही दोषी हो, आप ही कल्प्रिट हो, आप ही विक्टिम हो। तो किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चली मसाला।